दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा जीएसटी 8 के बारे में। तो यहाँ पर मैंने एक जीएसटी 8 के बारे में एक वर्ड के अंदर एक डॉक्यूमेंट तैयार किया है, और जिसके अंदर मैंने कुछ बेसिक सी जो डिटेल्स होती है, यानी कि जीएसटी 8 जो होती है वो किसके लिए रिक्वायरमेंट होती है, और ये जो होती है कि जीएसटी 8 जो होता है, ये अगर जैसे आप अपना जीएसटी नंबर रजिस्टर्ड करवाते हैं तो उस टाइम आपको ये सर्विसेज लेनी होती है, यानी आप जो जीएसटी नंबर अप्लाई करते हैं तो वो कौन सी सर्विसेज होती हैं जिसके लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो जब भी नया रजिस्ट्रेशन आप अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप एज ए ई कॉमर्स ऑपरेटर जो है उस तरह से अगर अपना जीएसटी नंबर अप्लाई करते हैं, तो उस केस में आपको जीएसटी R8 फाइल करना होता है। तो अब ये जो जीएसटी R8 होता है, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो रिटर्न फाइल करते हैं ये कौन करता है, ई कॉमर्स ऑपरेटर। अब यहाँ पे जो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स जो होते हैं, यानी कि जो ई कॉमर्स की सर्विस प्रोवाइड करते हैं और जिस प्लेटफॉर्म पे और दूसरे सेलर जुड़ते हैं, और जुड़ने के साथ वो अपने प्रोडक्ट उन प्लेटफॉर्म पे सेल करते हैं उनके थ्रू, तो ये सारे जो होते हैं वो कहलाते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर। अब इसका अगर मैं एग्जांपल आपको दूं तो सबसे पहले अमेजोन हो गया, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, ग्लोरोड हो गया, और इसके अलावा बाकी के और भी हैं जो कि शॉपक्लूज हो गया, स्नैपडील हो गया, मिंत्रा हो गया, या कोई भी जो भी अलग अलग प्लेटफॉर्म होते हैं जिस पे सेलर अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। सेलर भी अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो अप्लाई करते हैं, और वो रजिस्ट्रेशन जब आप करते हैं तो उस टाइम आप, मैं भी आपको पोर्टल पे भी दिखाऊंगा कि जब आप टैक्स पेयर जो सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के साथ उसके 3 से 4 जो सर्विसेज होती है उसी के अंदर एक सर्विस होती है ई कॉमर्स ऑपरेटर्स। यानी कि आप ऐसी सर्विसेज लेना चाह रहे हैं या इस तरह की जो सर्विस जिसमें कि TCS कलेक्ट किया जाता है, तो यहाँ पर GSTR 8 जो होता है, जो भी TCS कलेक्ट करता है, यानी कि जो TCS जो होता है उसको कलेक्ट करने का जो काम करता है, यानी कि आप अगर अमेजोन के थ्रू कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं और सेल करने पर अमेजोन उसका आपको TCS काटता है 1%, और वो 1% का TCS जो आपको काटता है, काटने के बाद जब वो महीने में, हर मंथली जो होती है GSTR 8 जो होता है महीने में फाइल करनी होती है, और जब वो फाइल करता है करने के बाद में वो आपका TCS अमाउंट आपके GST पोर्टल पे आ जाता है, और पोर्टल पे आने के बाद आप उसका जब अपनी TCS फाइल करते हैं तो वो आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर उसका अमाउंट ऐड हो जाता है। तो ये तो हो गया कि GST 8 जो होती है जितने ई कॉमर्स ऑपरेटर्स होते हैं उनके लिए ये जरूरी है, आपके लिए नहीं है, क्योंकि वो जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ये जैसे कि आप अमेजोन पे अगर कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं तो सेल करने पर अमेजोन GSTR 8 फाइल करेगा, आपको नहीं करनी, क्योंकि आप अमेजोन के थ्रू अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, तो अमेजोन जब अपनी GSTR 8 फाइल करेगा तो उसका TCS आपके पोर्टल पे आएगा। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पर होता है कि कौन इसमें रिक्वायरमेंट है जीएसटी 8 के लिए, जो मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पर आप देखेंगे एवरी ई कॉमर्स ऑपरेटर जो कि रजिस्टर्ड होते हैं अंडर GST रिक्वायर्ड द GSTR 8। यानी कि GST 8 जो होता है, यानी GSTR 8 किसके लिए रिक्वायर्ड है, यानी जितने भी जो ई कॉमर्स ऑपरेटर होते हैं उन सबको GSTR 8 फाइल करना कंपलसरी है। यानी उनको जो भी अपनी ई कॉमर्स की सर्विसेज अगर ली ली हुई है, और इसके साथ ही जितने सेलर्स उसमें जुड़े हुए हैं और उनकी जो सेल होती है, तो जितने सेलर्स उन पे जुड़े होते हैं उन सबकी हर महीने की 10 तारीख इसकी लास्ट डेट होती है, तो उसमें मंथ वाइज GSTR 8 हर एक ई कॉमर्स जो ऑपरेटर होते हैं उनको फाइल करना होता है। तो ये तो इसमें हो गया कि टोटली मैंने डिटेल्स आपको बता दी, जिसमें कि क्या होता है कि आप जब आप अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर ये अमाउंट आपको देखने को मिलता है। और इसके बाद में होता है कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है, भाई आपने जैसे GSTR जो होती है कि इम्पोर्टेंट क्यों है, तो ये भी बता देता हूँ कि GSTR 8 क्या करता है, ये डिटेल ऑफ सप्लाई, यानी कि आपकी जो होती है ई कॉमर्स के थ्रू जो भी आपकी सप्लाई होती है, यानी कि आपने ई कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं उसमें आपकी सेल कहाँ कहाँ पे हुई है वो इससे डिटेल पता चलती है, यानी कि आपकी लोकल स्टेट में हुई है, इसमें IGST सी, और इसमें SGST और CGST, यानी 3 तरह के अमाउंट आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। यानी कि IGST होता है, अगर लोकल जैसे बात करता हूँ मैं जैसे दिल्ली में हूँ, तो दिल्ली के अंदर अगर कोई मेरा
माल सेल होता है, तो इसमें SGST और CGST दो तरह का। दिल्ली से बाहर कोई अगर मैं अमेजोन के थ्रू अपने प्रोडक्ट सेल करता हूँ तो उसमें IGST देखने को मिलता है। तो ये हो गया। अब ये जो होता है GSTR 8 जो होता है 1 अक्टूबर 2018, यानी कि आप देखेंगे कि अक्टूबर 2018 के बाद से, यानी कि अक्टूबर से ही 2018 से ये स्टार्ट हुआ है, और उसी के बाद में जितने भी ई कॉमर्स के जो ऑपरेटर्स होते हैं उन सबको ये फाइल करना ज़रूरी है, और हर महीने ये फाइल करना होता है। और इसी के साथ में क्या होता है कि ये जो आपका TCS जो होता है, यानी कि आप देखेंगे कि इसके साथ ही स्टार्ट हुआ है, और ये TCS जो होता है एप्लीकेबल होता है कोई भी सप्लायर अगर आपकी होती है इसमें, तो यानी इनपुट जो क्रेडिट आपको मिलता है, और ये मिलने के बाद में आप देखेंगे कि जिसमें TCS डिडक्ट होता है, ई कॉमर्स जो होता है, यानी कि आपने अगर मान लीजिए अमेजोन के थ्रू कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं और उसमें जो TCS आपको डिडक्ट किया जाता है, तो ये मैंने आपको बता दिया, जब वो अपनी GSTR 8 फाइल करेगा तो उस केस में ये वाला अमाउंट आपका GST पोर्टल पे यहाँ पे दिया गया है, ये दिखेगा आपका GSTR 2A के अंदर Part C। तो ये वाली चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ कि जब भी आपका ई कॉमर्स ऑपरेटर, यानी कि जैसे मैं ऑनलाइन सेलर हूँ और मैंने अपने अमेज़ोन पे अपना सेलर अकाउंट रजिस्टर्ड किया हुआ है और अमेज़ोन पे मैंने अपने प्रोडक्ट सेल किए, जैसे पिछले मंथ की मैं बात करता हूँ दिसंबर की, तो 1 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक मेरे जितने भी प्रोडक्ट सेल होते हैं उनकी सेल की समरी अमेज़ोन 10 तारीख होती है, इसकी फाइलिंग की जो डेट होती है लास्ट डेट होती है 10 तारीख को ये फाइल करना होता है। तो ये जब वो अपनी GSTR 8 फाइल करेंगे तो इसका टोटल जो TCS अमाउंट होता है या टोटल सेल होती है रिटर्न होती है उसका एग्रीगेट अमाउंट आने के बाद में उसका 1% ये TCS आपको उसके अंदर देखने को मिलता है GSTR 2A के अंदर पार्ट सी के अंदर, जो कि मैं आपको अभी पोर्टल पर लाइव दिखा दूंगा। तो ये तो हो गया। अब इसमें मैंने यहाँ पे होता है कि एक क्वेश्चन आपका रहता है कि भाई GST 8 जो होता है इसकी ड्यू डेट क्या है। तो ड्यू डेट क्या होता है, GST 8 आप जब कभी भी फाइल करते हैं तो हर एक महीने की 10 तारीख इसकी लास्ट डेट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको होती है कि GST जो होती है इसकी ड्यू डेट हर महीने की 10 तारीख होती है। अब इसके बाद में क्या होता है कि GST की जो लेट फीस होती है, इसके बारे में मैं अगर आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी अगर आपका GST पोर्टल है और उस पर अगर जैसे अमेज़ोन ने 1 दिसंबर से लेकर दिसंबर तक की मैं बात करूँ, 1 से लेकर 31 दिसंबर तक आपकी कोई सेल होती है और उस सेल की रिपोर्ट को अगर वो 10 तारीख तक आपके GSTR 8 फाइल नहीं करता है पोर्टल पे, तो उस केस में पर डे जो पेनल्टी लगती है, आप देखेंगे कि इसमें दो तरह की पेनल्टी लगती है, ₹100 इसमें CGST लगता है और ₹100 ही इसके अंदर SGST अमाउंट लगता है। तो ये पर डे के हिसाब से जितने दिन वो डिले करेंगे उसी हिसाब से यहाँ पर ये पेनल्टी इसमें इंक्रीज होती जाएगी, यानी पर डे का और ऑन एन एवरेज मानो तो ₹200 पर डे इसके अंदर चार्ज लिए जाएंगे। और इसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट है 5,000। 5,000 से मतलब होता है कि मान के चलिए आपने अगर अपना GSTR 8, यानी कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर है उसने अपनी 1 महीने तक GSTR 8 को फाइल नहीं किया, यानी वो कहता है कि भाई मैं अपनी जो दिसंबर मंथ की मैंने अपनी GSTR 8 को फाइल नहीं किया, वो मैं जनवरी के 7 में ही उसको मैं फाइल करूंगा, तो आप देखेंगे कि दिसंबर के बाद में अगर वो 10 तारीख तक उसको फाइल नहीं करता है तो उसके बाद में पेनल्टी स्टार्ट हो जाती है, और स्टार्ट होने पर यहाँ पर अगर वो 1 महीने तक फाइल नहीं करता है तो उस केस में उनके 30 दिन का जो अमाउंट होता है वो ₹6,000 बनता है। तो 6,000 का अमाउंट उनसे नहीं लिया जाएगा, यहाँ पर मैक्सिमम ₹5,000 लिए जाएंगे उनसे, क्योंकि अगर ये 5,000 से कम अमाउंट रहता है तो उस केस में उनका पर डे के हिसाब से चार्ज ₹200 लिए जाएंगे, और जैसे ही अगर दिन बढ़ जाते हैं 1 महीने से ऊपर इनका हो जाता है तो मैक्सिमम यहाँ पे 5,000 उन पे पेनल्टी ली जाएगी, और पेनल्टी के साथ ही जितना वो डिले करेंगे लेट फाइलिंग में और जब वो अपनी नेक्स्ट मंथ की GSTR 8 फाइल करेंगे तो उस केस में उनका जो इंटरेस्ट लिया जाएगा 18% जो होता है वो इंटरेस्ट उनसे लिया जाएगा, और ₹5,000 वो इंटरेस्ट लगेगा, या आप देखेंगे मैक्सिमम जो है ₹5,000 उनसे लिए जाएंगे अगर 1 महीने से ज़्यादा हो जाता है तो उस केस में। तो ये हो गया। और अब इसी के अंदर एक क्वेश्चन और रहता है अगर आपके माइंड के अंदर कि भाई GSTR 8 जो होता है क्या हम इसको रिवाइज कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये मैं इसका आपको आंसर देना चाहूँगा। GSTR 8 जो होता है अगर आपने एक बार फाइल कर दिया तो उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते।
तो यहां पर आप देखेंगे उसको रिवर्स नहीं कर सकते। अगर कोई मिस्टेक आपसे हो गई है तो इस मिस्टेक को आप अगले मंथ के अंदर, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है कि कोई अक्टूबर के अंदर कोई अगर आपने GSTR 8 फाइल कर दी है तो वो अक्टूबर में अमेंडमेंट आप नहीं कर सकते। इसका अमेंडमेंट अगर आपको करना है तो नेक्स्ट मंथ के अंदर यानी नवंबर के अंदर अगर अपनी जो GSTR 8 आप फाइल करेंगे तो उस केस में आपको वो अमाउंट लेस करके GSTR 8 के अंदर फाइल करना होगा। तो दोस्तों ये तो हो गया थ्योरी पोर्शन जो कि मैंने आपको GST 8 के बारे में बताया। अब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे प्रैक्टिकल जो होता है, यानी प्रैक्टिकल आपको दिखा देता हूँ कि प्रैक्टिकल के केस में आपको कैसे उसमें आप करेंगे। तो यहाँ पे मैं अपना GST पोर्टल लॉगिन कर लेता हूँ। तो ये मेरा अपना GST पोर्टल मैंने लॉगिन कर लिया है और करने के साथ ही अब यहाँ पर आपको मैं अपना दिखा देता हूँ डैशबोर्ड। और डैशबोर्ड के अंदर सबसे पहले मैं यहाँ पे करता हूँ फाइल रिटर्न्स। तो अब इसके अंदर रिटर्न फाइल से पहले मैं आपको बता देता हूँ, जब आप नया रजिस्ट्रेशन करते हैं यानी GST के लिए अप्लाई करते हैं आप, तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ सबसे पहले सर्विसेज के अंदर जाके रजिस्ट्रेशन और न्यू रजिस्ट्रेशन। तो जैसे मैं न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जब आपको एक ऑप्शन होता है कि जब सेलेक्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आप ड्रॉप डाउन लिस्ट मिलती है और इसके अंदर आपको टैक्स पेयर सेलेक्ट करना होता है। अगर आप एज ए ऑनलाइन सेलर अगर कोई अपना कोई भी प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हैं एज ए सेलर अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, मीशो पे, तो आपको टैक्स पेयर सेलेक्ट करना होता है। और यहाँ पर आपका होता है टैक्स कलेक्टर। तो ये देखिए, ये अभी मैंने GSTR 8 यानी कि अगर आप यहाँ से टैक्स कलेक्टर यानी ब्रैकेट में दिया गया है ई कॉमर्स, अगर आप ये सर्विसेज लेते हैं यानी रजिस्ट्रेशन के टाइम में आपने यहाँ पर जैसे टैक्स कलेक्टर ई कॉमर्स अगर आप सेलेक्ट करते हैं और अपना फॉर्म फिलअप करते हैं तो उस केस में आपको GSTR 8 फाइल करना कंपल्सरी हो जाएगा। हर महीने आपको GSTR 8 फाइल करनी पड़ेगी। तो ये तो हो गया GSTR 8, क्योंकि आप एज ए टैक्स कलेक्टर बन रहे हैं, मतलब टैक्स कलेक्ट करोगे यानी कि जो TCS होता है वो आपको सरकार को पे करना होगा। तो ये हो गया। अब वापस मैं आ जाता हूँ अपने उसमें जो अपना डैशबोर्ड पे आ जाता हूँ, यहाँ पे रिटर्न्स के अंदर मैं वापस जो है अपना डैशबोर्ड पे आ जाता हूँ मैं यहाँ पे सर्विसेज के अंदर रिटर्न्स पे। होम पे एक मिनट मैं वापस अपना जो यहाँ पे मुझे दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा। तो ये वापस मैंने अपना GST पोर्टल पे लॉगिन पे आ गया हूँ। मैंने फर्स्ट स्टेप आपको बता दी कि कोई भी अगर आप नया रजिस्ट्रेशन लेते हैं उसमें एज ए टैक्स कलेक्टर आप सेलेक्ट करते हैं और उस केस में आपको ई कॉमर्स ऑपरेटर सेलेक्ट करते हैं तो उस सर्विसेज के अंदर आपको GSTR 8 फाइल करना होता है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे डैशबोर्ड पे आ गया, डैशबोर्ड पे आने पर मैं अब यहाँ पे करता हूँ फाइल रिटर्न्स। और यहाँ पर अब आपका जो मैंने बताया था दिसंबर मंथ के अंदर जो GSTR 8 जो ऑनलाइन मेरे प्लेटफॉर्म होते हैं उनको आपको ये देखना है कि कोई कौन कौन से ऐसे जो है जिनमें आपका TCS जिन्होंने कलेक्ट किया है और कलेक्ट करने के साथ ही आप अपनी उसकी समरी चेक करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं जो क्वार्टर सेलेक्ट करूँगा थर्ड क्वार्टर दिसंबर में सेलेक्ट किया और यहाँ पर आप देखेंगे GSTR 2A के अंदर मैंने आपको बताया था पार्ट सी के अंदर आप उसको चेक कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो क्लिक करने पर आप देखेंगे पार्ट सी जो होता है, पार्ट सी मैंने अभी दिसंबर का महीना सेलेक्ट किया है और इसमें आप देखेंगे कि ये TCS क्रेडिट। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर वो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं जिनके जो आप देखेंगे अलग अलग अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, मीशो है, ग्लोरोड है। तो यहाँ पर ये वाला उनका अमाउंट हो जाता है कि भाई ग्रोस सेल कितनी है, इसमें रिटर्न कितना हो गया, नेट जो इसमें होता है ये TCS जो लगता है आपका नेट अमाउंट पे लगता है, जो लाइबिलिटीज आपकी बनती है यानी आपने अगर देखेंगे कि एग्जाम्पल आपके सामने है यहाँ पे 40,000 की सेल हुई है, 18,000 की रिटर्न आ गई है, तो 22,000 का यहाँ पर आप नेट जो अमाउंट होता है इस पे आपका TCS लगता है। और इसी के अंदर TCS जो लगता है आप देखेंगे IGST कितना है यानी जो दिल्ली से बाहर जो माल गया है उस पर कितना है और लोकल दिल्ली का यहाँ पे आप देखेंगे तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अगर आपको इसकी डिटेल में जाना है तो डिटेल में जाने के लिए आप यहाँ पे जाएंगे सर्विसेज और सर्विसेज के अंदर होता है रिटर्न्स और रिटर्न्स के अंदर यहाँ पे होता है TDS एंड TCS क्रेडिट रिसीव। इसमें आपको जाके वापस आपको फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है जैसे 23-24 और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ दिसंबर और मैंने किया सर्च।
यहाँ पे TDS एंड TCS क्रेडिट रिसीव पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे TCS क्रेडिट रिसीव, तो यहाँ पर आपको पूरी डिटेल देखने को मिल जाएगी जो कि मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी ये बता चुका हूँ। और यहाँ पर जैसे मैं सेलेक्ट करूँगा, जैसे मैंने यहाँ पर आप देखेंगे कि ये सेलेक्ट करने पर एक्सेप्ट और रिजेक्ट के ऑप्शन आते हैं, तो ये चीज़ जैसे ही मैं इनको एक्सेप्ट करके फाइल करूँगा तो ये वाले जो अमाउंट होते हैं, ये जो आप देखेंगे कि ये TCS का अमाउंट है, तो ये सारे के सारे अमाउंट जैसे मैं एक्सेप्ट करूँगा और इसको फाइल करूँगा तो ये वाला अमाउंट मेरे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र के अंदर जाके ऐड हो जाएगा। और इस अमाउंट को आप रिफंड भी ले सकते हैं। रिफंड लेने का जो प्रोसेस होता है मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर कंप्लीट इसका प्रोसेस बता चुका हूं कि आप इसको अमाउंट को रिफंड कैसे लेंगे। तो दोस्तों यहां पर आपको मैं ये बताना चाहूंगा, जो GSTR 8 होती है, यहां पर भी आप देखेंगे GSTR 8 के बारे में मैंने अभी आपको बताया था, तो ये GSTR 8 इन्होंने फाइल कर दी है और ये दिसंबर मंथ की है 2023 की। आप देखेंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म में अमेजोन है, फेसनियर, मीशो हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, और ये जो ग्लोरोड हो गई, तो ये इन्होंने अपनी दिसंबर 2023 की जो है GSTR 8 फाइल कर दी है। अगर ये 10 तारीख को फाइल नहीं करते हैं तो जो पेनल्टीज़ मैंने आपको बताई है, ₹100 पर डे के हिसाब से CGST और SGST अमाउंट जो है वो इनसे डिडक्ट किया जाएगा, और अगर ये ज़्यादा डिले करते हैं तो मैक्सिमम 5,000 का इन पे जो पेनल्टी ली जाएगी, मतलब ली जाती है अगर ये डिले करते हैं 10 तारीख के बाद अगर ये फाइल करते हैं तो। अगर 10 तारीख तक ये फाइल कर देते हैं तो उस केस में इन पे किसी भी तरह की कोई पेनल्टी चार्जेस नहीं लगते हैं। तो ये दोस्तों कुछ GSTR 8 के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि जो GSTR 8 होता है वो किन किन के लिए एप्लीकेबल होता है और उसकी क्या क्या कंडीशंस है, और उसकी आपको अगर चेक करना होता है पोर्टल पर वो अमाउंट आप कैसे चेक करेंगे, तो ये सारी GSTR 8 उससे रिलेटेड मेरी ये वीडियो थी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।